हेलो एवरीवन, सो कैसे चल रहा है आप लोगों का प्रिपरेशन? होपफुली इट्स गोइंग वेल। एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट बैंक एग्जाम्स, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अभी अगर देखा जाए तो बहुत कुछ एग्जाम्स का लास्ट स्टेज में है, मीन्स अभी उनका इंटरव्यू होने वाला है, जैसे IBPS PO, उसके बाद हमारा न्यू शेड्यूल आ रहा है एंड उसके बाद हमारा जो है न्यू जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। और आप लोग ऐसा मत सोचना कि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है ना आपको अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो अभी से आप अगस्त का प्लानिंग कर लो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम आएगा, शेड्यूल आएगा, नोटिफिकेशन निकलेगा, उसके बाद प्रिपरेशन करोगे। कैसे करना है, सिंपल वे है। आप इरेस्पेक्टिव कि आप कितने साल से प्रिपेयर कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, नथिंग मैटर। ये जो नेक्स्ट 6 मंथ है ना, इसको अगर आप यूटिलाइज कर लोगे, नेक्स्ट 4 मंथ है, ठीक है, इसको परफेक्टली यूटिलाइज कर लोगे, देन इस साल आपको सिलेक्शन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है, बिलीव मी। एंड इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सिलेबस कर लो, वंस अगेन स्टार्ट कर लो। प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू होता है, यही होता है ना, GD बेस में रहता है। सो करंट अफेयर्स को जब आप पढ़ोगे, साथ ही साथ हम ऐसे माइंडसेट के साथ पढ़ेंगे कि हमें कोई भी GD टॉपिक मिलता है उसको हम कर सकते हैं, और हो जाता है हमारा प्रीलिम्स। सो अभी आपको 1 to 2 मंथ बस प्रीलिम्स के लिए, तो अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो, यहाँ पर आप कुछ कुछ मार्क्स में रोक रहा है, देन अभी आप साथ में लेके चल सकते हो, जैसे मॉक्स के साथ। अगर आप न्यू हो, देन आपको क्या करना है कि अभी करंट अफेयर्स आ जाता है, जो प्रीलिम्स आ जाता है हमारा, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग, ये तीनों को आप बेसिक से स्टार्ट करो। बेसिक्स हमेशा ये नहीं होता है कि आपको बस बेसिक्स को ही करने, बस आपको फंडामेंटल अपना स्ट्रॉन्ग कर लेना है। अगर आपका ऑलरेडी है, देन आपको अपना फंडामेंटल को रिवाइज करना है एंड रिवाइज को कंटिन्यूस इंटरवल में करना है, सो दैट आप उस क्लासिकल वे को भी ना आप स्पीड वे में कर सकते हो, ठीक है, और ऑटोमेटिकली आपका एफिशिएंसी डेफिनेटली बढ़ जाएगा। और इंग्लिश एक ऐसा चीज़ है, आप उसको टारगेट के साथ बोलोगे ना कि मेरा इंग्लिश इम्प्रूव हो जाए, ये आपका थोड़ा प्रेशराइज हो जाएगा, पर अगर आप उसको एंटरटेन और एंजॉय वे में करोगे, देन इसमें आपको मज़ा आएगा डेफिनेटली। और सो एवरी डे 1 आवर जब भी आपका होता है ग्रामर वगैरह प्रैक्टिस करो, और साथ ही साथ उसका यूटिलाइजेशन, आप कभी कुछ एडिटोरियल्स में पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सो उसको लिंक करना सीखो। तो लाइक दिस आपका एक 6 मंथ में आ जाएगा कि हाँ इंग्लिश में ये होता है, ठीक है। और क्वांट में सेम थिंग है, एक बार फंडामेंटल हो गया मॉक्स, तो उसको रिवाइज करो, टारगेट करो अपना जो भी वीक जोन है, कुछ कुछ टॉपिक्स, जैसे कि किसी के लिए DI रहता है, तो किसी के लिए मिसलेनियस क्वेश्चन रहता है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर फोकस करो, लॉगिन डाल दो और उसको आप प्रैक्टिस करोगे ना, मैक्सिमम प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, सो वो आपको एक आदत बन जाएगा। जो भी आपका एरर आ रहा है ना, वो आपको एग्जाम में दिखेगा एंड आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो, आई गेटिंग द पॉइंट ना। और रीजनिंग भाई सिंपल है कि इसमें आप पजल तो करना ही, अगर आपको PO एग्जाम क्लियर करना है प्रीलिम्स, देन आपको पजल तो पक्का करना है। सो पजल को वही है कि आप अपना इजी लेवल से स्टार्ट करो, डोंट वरी आपका कंपटीशन क्या है, कौन क्या कर रहा है, फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, फॉरगेट इट, ठीक है। आप अपने बारे में सोचो कि आपका लेवल कहाँ पर है, एक्सेप्ट इट, पहले एक्सेप्ट कर लो कि व्हाट यू आर नाउ। जब आप एक्सेप्ट करना सीख लोगे ना, देन उसके बाद आपका इम्प्रूवमेंट होगा, आप अपना इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम करोगे, समझ रहे हो। सो दूसरों को देख सकते हो कि कौन कैसे कितना आपसे आगे है, पर काम आप वही करोगी, प्लान करो एंड उसके ऊपर एग्जीक्यूशन के ऊपर, ठीक है। और वही रीजनिंग में जो मिसलेनियस चैप्टर रहता है वो बहुत ज़्यादा ईजी रहता है, ठीक है, तो उसको कंटिन्यूस इंटरवल में प्रैक्टिस करो। और जो पजल्स है उसको आपका लेवल बढ़ाओ, ठीक है, लेवल इजी रे स्टार्ट करो, मीडियम में जाओ, प्री लेवल का सॉल्व करो और आपका मेंस लेवल का सॉल्व करो, ठीक है। मेंस लेवल को ऐसा हो सकता है टाइम टेकिंग हो रहा है, ठीक है, पर जब आप कंटिन्यूसली इसको करोगे, देन इसका जो इम्पैक्ट है ना वो आपको दिख जाएगा। आप ऐसे क्वेश्चन देखोगे, मुझे भी लग रहा था यार क्वेश्चन देखते देखते कैसे एनालिसिस करना है, जब मैं प्रैक्टिस करता रहा, देन ऑटोमेटिकली जब मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ ना, मेरा माइंड ऑटोमेटिकली मतलब वर्कआउट करना स्टार्ट कर दे रहा है, ठीक है। सो लाइक दिस आप अभी थोड़ा बहुत अपना सेल्फ फोकस कर लोगे ना, देन डेफिनेटली आपको जो रिजल्ट है ना थोड़ा अलग दिखेगा एंड यू विल बी वन स्टेप अहेड ऑफ दिस क्राउड। सो ये कुछ थे यार पॉइंट्स था, एंड करंट अफेयर्स साथ में लेके जाना है। अगर आप न्यू हो, देन